अजनाथ गांव के ग्रामीण बाड़ ढाबा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री और राजनाथ गांव विधायक और रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान रमन सिंह ने कहा कि अभी तक सरकार कुल 40,000 गांव तक पहुंच चुकी है। सरकार की नल जल योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, आवास योजना और सभी सरकारी योजनाओं को हर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है और सरकार योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को प्रेरित भी कर रही है। वहीं राम मंदिर पर बात करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गांव शहर के साथ पूरा देश आज राममय हो गया है। राजनाथ गांव से नीमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो या हेल्थ के कैंप की योजना हो, ये पूरा योजना और ये पूरे कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और ये यात्रा गांव में भी शहर में भी 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ हो गए। ये योजना राजनांदगांव जिले में और छत्तीसगढ़ में 180 वैन पहुंच रही है, जिसमें 6 वैन राजनांदगांव के क्षेत्र के लिए है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से, ब्रोशर, पॉम्पलेट, बुकलेट के माध्यम से सरकार की योजनाओं को आपको पहुंचाने का काम हो रहा है। पक्का मकान, नल जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता, पीएम किसान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व संपत्ति कार्ड, विकसित भारत संकल्प यात्रा ढाबा में आज पहुंचा है। जैसे मैंने बताया, वो चाहे विभिन्न सरकार की योजनाओं का इस प्रकार क्रियान्वयन हो सकता है, आयुष्मान कार्ड भाग हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के हो या स्वास्थ्य के लिए उनकी योजना है या बीमा की योजना है, कृषि की योजना है, साउंड सिस्टम वाले भैया जान रहे हो कि कृपया मंच पर पहुंचे, साउंड सिस्टम वाले मिले। सरकार अब गाँव गाँव जा रही है, अभी तक 40,000 पंचायतों तक पहुंची है। 6 वैन राजनांदगांव जिले में चल रहे हैं। स्वास्थ्य के शिविर में 1,000 लोगों का शिविर में जांच हुआ। सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, नल जल योजना से लेकर सभी योजना, उन योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं। उनसे खुद जाकर कलेक्टर से लेकर सीओ से लेकर सारे अधिकारी, सरकार गांव-गांव जाके उनके दरवाजे पे जा रही है। ये नए सरकार का संकल्प है, ये मोदी जी का संकल्प है और उन योजना को पूरा करने में हम